देश टीवी के विशेष प्रस्तुति खास बात में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रस्तुति की जाती है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों से आपका परिचय करवाया जाता है। आज उन्हीं में से एक हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी। आपको हम बता देते हैं कि चंद्रशेखर साहू जी सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और इसी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो आज हम उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं, चंद्रशेखर साहू जी से। सबसे पहले साहू जी आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जो राजनीति में जो आए हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे आपका इसमें आना हुआ? तो छात्र आंदोलन के समय से ही जयप्रकाश जी के आंदोलन से हम लोग जुड़े, और जयप्रकाश जी के आंदोलन में जो एक स्वतः स्फूर्त वातावरण बना उससे हम लोग प्रेरित हुए। और इमरजेंसी के तुरंत बाद जब देश में चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले हम लोग पूरी तरीके से उस फील्ड में आकर लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शुरू कर दिए। और एक शुरुआत से ही नया कुछ करने के लिए, लोगों के लिए, खासकर किसानों और युवाओं के लिए और गांव के लिए करने की जो मन में ललक थी वही हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि का आधार बना। और वहीं से हम लोगों ने फिर पिताजी से प्रेरणा मिली, परिवार के अन्य जो लोग हैं वो भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी अग्रणी भूमिका अदा कर रहे थे, और फिर हमने भी जयप्रकाश आंदोलन से प्रेरणा लेकर किसान आंदोलन में कूदे, और उसके बाद फिर जनता पार्टी के चुनाव में और उसके अभियान में पूरे सक्रियता से जुट गए। और शुरुआत में ही 1977 के बाद जब पूरे देश में एक वातावरण बन गया था कांग्रेस के खिलाफ में, तो उस समय फिर हम रायपुर लोकसभा के उस समय प्रत्याशी थे श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी, आज वो हमारे बीच में एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में हैं, केंद्र में मंत्री बने। उनके चुनाव में हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उन्हें रायपुर लोकसभा से भेजें, और उसके बाद फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में हमारा निर्वाचन हुआ। अनेक कठिन परिस्थितियां भी उन दिनों आई, लेकिन जनपद अध्यक्ष के रूप में हम 3 साल काम करते रहे। फिर उसी दौरान जब देश में एक बड़ा वातावरण बना कि अब वैकल्पिक राजनीति किस प्रकार से हो, और भाजपा का जब उदय हुआ तो फिर भाजपा में सक्रियता से काम करना शुरू किए। और 1984 में लोकसभा चुनाव के समय श्री रमेश बैस जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शुरू किए थे। मतलब ये था कि आप शुरू से ही, जैसे कांग्रेस का राज रहा है, इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस में थी और आप शुरू से ही विपक्ष ही कहलाया जाएगा, है ना? अब वो सत्ता में है पर उस समय विपक्ष ही था, मतलब सशक्त विपक्ष की भूमिका आपने निश्चित रूप से विपक्ष में ही हमारा समय ज़्यादा बीता है। हम सत्ता में तो 14-15 साल से है ना, उसके पहले तो पूरा समय हमारा लगभग आज 40 साल से राजनीति के क्षेत्र में है। यदि 1970 से चालू किया जाए तो आज 2017 है, 40 साल सार्वजनिक जीवन के कई पहलुओं को और कई क्षेत्रों को हमने देखा है। और ज़्यादातर समय हमारे विरोध की राजनीति में हम लोगों ने समय दिया है, संघर्ष की राजनीति से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और संघर्ष की राजनीति में ही एक प्रकार से हम वहीं से लोगों के बीच में जाते रहे हैं, वहीं से आगे बढ़े हैं। और नए एक प्रकार से जो हमारे सामने वेन्यू खुला, रास्ता खुला कि हम राजनीति में भी रचनात्मक काम को कैसे कर सकते हैं, विकासात्मक राजनीति कैसे कर सकते हैं, विकास की राजनीति को कैसे हम धरातल पर उतार सकते हैं, ये सत्ता में आने के बाद हमने दिखाया कि हम विकास की भी राजनीति को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिस प्रकार रचनात्मक विपक्षी भूमिका हमारी थी वैसे ही विकास की राजनीति में भी हम लोगों ने सबके साथ लेने का प्रयास किया, और उसमें सफल भी हुए, कहीं असफल भी हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अवरोध, बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे
कांटे बोए गए, लेकिन उसके बाद भी जो चलते रहे हैं वो लोगों का स्नेह, जनता के स्नेह, पार्टी का विश्वास और हमारे नेतृत्व का एक प्रकार से संबल हमको मिला है। कभी हम प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में थे उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे प्रेरणा शुरू से लेते थे। वो संगठन में थे, पूरे देश के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री उन दिनों में सांसद हुआ करता था, उनसे सीधी बातचीत होती थी। बहुत सारे विषयों पर हम लोग विशद विश्लेषण भी करते थे तत्कालीन समय में, और भविष्य का जो ताना बाना है उसमें भी हम लोग मशगूल रहते थे। अनेक नेताओं के साथ हमारा परिचय उन दौरान हुआ और सबसे कहीं ना कहीं हम लोग को सीखने को मिला है। दूसरा ये था कि आप संगठन में भी बहुत सशक्त भूमिका आपने निभाई, मध्य प्रदेश में भी आप महामंत्री रहे और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी आप प्रदेश महामंत्री के पद पर आप आसीन हुए, तो उस समय भी आप बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ा, कई नए नए उसमें पार्टी में शामिल होने लग गए थे, उनके साथ आपका सफ़र कैसा रहा और जो वयोवृद्ध थे? मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए जितना हो सकता था, एक परिश्रम की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस परिश्रम की पराकाष्ठा तक हम गए ताकि हमारे पार्टी का विस्तार हो। मध्य प्रदेश के संगठन में प्रदेश महामंत्री के तौर पर सुंदरलाल पटवा जी के साथ, कैलाश जोशी जी के साथ, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जो हमारे पितृपुरुष रहे हैं उनके साथ बहुत समय बीता, और आज भी जो संगठन शिल्पी हैं सम्माननीय सौधान सिंह जी और भी हमारे अन्य संगठन के लोग हैं उनके साथ जो अनुभव आया उसके चलते चलते संगठन का भी काम किया और पार्टी की रीति नीति को लोगों तक ले जाने में हम लगे रहे। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन बना तो वो अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था, और उस समय भी तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, जोगी जी के सरकार के खिलाफ हम लोगों ने पूरे लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरीके से जनाधार स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए, चाहे किसान हो, युवा हो, पिछड़े तबके के लोग हों, गांव के लोग हों, महिलाएं हों, मजदूर हों, उन सबको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए संगठन में काम करते हुए हमने अपने भूमिका का निर्वाह किया है, और आज इस पैदान पर जो पार्टी आई है उसमें असंख्य हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, हमारे जो समर्पित लोग हैं उनका बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा देखा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, तो सब और दूसरी बात यह है कि जोगी जी का जब शासन था उसके बाद आपने फूल को खिलाया जो आज तक बरकरार है, तो उसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं आगे? आप भारत की बात यदि कहें तो सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सदस्य संख्या 10 करोड़ पार करके 11 करोड़ पहुँच गया हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता तय किया कि हम सभी वर्ग के लोगों को सदस्य के रूप में शामिल करेंगे, उनको डिजिटल तरीके से उनके सदस्यता लेंगे। तो इस तरीके से 11 करोड़ की हमारी जनसंख्या, तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और आज भारत में सबसे ज़्यादा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके गठबंधन की सरकार है, अन्य राज्यों में भी पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये भी स्पष्ट रूप से रणनीति चल रहा है, और इसके चलते एक सशक्त भारत, एक नया भारत, ये जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसमें हम लोग अपनी सहभागिता देना चाहते हैं कि नया भारत का कॉन्सेप्ट वास्तव में नए विजन के साथ, कि हम भारत को विश्व के स्पर्धा में किस प्रकार से टिकाएं और हमारा जो गौरव है वो भी बरकरार रहे, हमारी नई पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी वो भी अपने पैरों पर खड़े हो, और जो एक सशक्त भारत है, श्रेष्ठ भारत है, वो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसको हम करें। और इसके साथ साथ ये भी है कि दल से बड़ा हमारा राष्ट्र है और राजनीति से बड़ा हमारा राष्ट्रनीति है। ये केवल एक नारा ही नहीं है, इसको हम अपने दर्शन में, अपने फिलासफी में शामिल करने के प्रयास इन दिनों कर रहे हैं, और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे राजनीतिक
और दार्शनिक तौर पे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं की फिलासफी को पार्टी ने लागू किया है। उसका जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, अभी 25 सितंबर तक उनका चलना है, उनके जो दर्शन हैं उसको पार्टी ने अंगीकार किया है कि अंत्योदय को हम अपने उसमें शामिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पिछले 14 साल से है, 5000 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड पार्टी में यदि सबसे पहले किसी ने तोड़ा है तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। उन्होंने भी इस अंत्योदय को सरकार के कार्यक्रम में शामिल करके लोगों को, गरीब को कैसे हम मुख्यधारा में लाएं। जैसे ये पंडित उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जीवनी है, गाथा है, कई आज के है जो आज की जो पीढ़ी है वो अनजान है उससे, तो क्या इसी के लिए अब सरकार ने उसको अब स्कूलों में, हाँ, कॉलेजों में निश्चित रूप से स्वरूप जी इसको पाठ्यक्रमों में शामिल करें, कॉलेज करने के साथ साथ उनके बारे में, उनके जो सोच है, उनके चिंतन है, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, उनको लेकर बहुत सारी योजनाएं, ये चावल देने की, 1 रुपया किलो में चावल देने की बात, वो वास्तव में अंत्योदय से निकला है। और फिर कॉलेज में कैंपस के बीच और भी अन्य लोगों में जो व्याख्यान माला चला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत के बहुत सारे जो नीतियां हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे रक्षा का सवाल हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, चाहे अर्थनीति की बात हो, तो हम एकात्म अर्थनीति लागू करेंगे, गरीब को ठीक प्रकार से स्थान मिले और ये देश के जो लाखों करोड़ों लोगों के हाथ में काम है, काम मिले, ये जो विषय है वो हमारे उसके अर्थ चिंतन के दृष्टि से है और इसीलिए हम उसको पूरी तरह से अडाप्ट कर रहे हैं और पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों में है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष में लोगों तक उनके विचारों को ले जाएंगे। क्या इसी विचारधारा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज जो लगातार जो डॉक्टर रमन सिंह जो 14 साल तक अपना सफ़र तय किए हैं उसमें धीरे धीरे युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत आगे हो गया है, चाहे हम विश्व के स्तर पर भी जाएँ तो छत्तीसगढ़ का नाम बहुत रोशन हो चुका है, तो उनमें और आगे और क्या परिकल्पना पार्टी ने की है और किस तरह से आगे? नहीं, एक तो युवा भारत की जो कल्पना है स्वामी विवेकानंद जी के, कल उनके शिकागो में भाषण का 125वीं वर्षगांठ मनाया गया और इस दौरान पूरे देश भर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को के साथ और उनको प्रधानमंत्री जी के एक प्रकार से जो बातचीत है, संवाद है, उनका जो संबोधन है, उनको सुनने का अवसर मिला। उसमें वही कल्पना कि पूरे दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा युवा शक्ति किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है, तो हम युवा भारत की जो कल्पना आज 150 वर्ष पहले विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, वो युवा भारत आज अपने पैरों पर खड़े हो, नए भारत के जो कल्पना हमारे ऋषि मुनियों के साथ साथ हमारे शहीदों ने किया था कि आज़ादी के बाद हम अपनी समस्याओं से उभरें और हम एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ें, सब लोग साथ में जाएं और हमारे जवान, हमारे किसान, सीमा पर हमारे जवान और खेत में हमारे किसान, ये इस मोर्चे पर सफल हो, ये उस नए भारत में एक प्रमुख एक प्रकार से घटक हैं। और इसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था में ठीक प्रकार से हमारा लोगों का सबका एक सम्मानजनक स्थान, यदि गरीब होता जाए, अमीर और हरी अमीर होता जाए तो इससे देश के संतुलन ठीक नहीं होगा। तो नया भारत की कल्पना में यही बात है, चाहे डीमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं हम, नोटबंदी, चाहे और भी दूसरे जीएसटी के मामले में हो, ये सब विषय जो है एक नए भारत की कल्पना को पुष्ट करने वाला है और इसीलिए सबकी भागीदारी इसमें ज़रूरी है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी बात ये था कि डॉक्टर रमन सिंह जैसे भी कहते हैं कि 17 साल का युवा छत्तीसगढ़,
तो युवा छत्तीसगढ़ को और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से और क्या पहल हो रही है या लोगों के बीच में जो दुनिया में ये किस तरह से हम स्थापित हो रहे हैं? नहीं, जैसे अब युवा छत्तीसगढ़ की जब बात आई है, 17 साल इसलिए कि 17 साल का हमारा यात्रा है। 2000 में हम नए राज्य को भारतीय गणतंत्र में स्थापित होते देखे हैं। माननीय अटल जी के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उस समय से लेकर 2000 से लेकर 2017 तक। आज 17 साल के नौजवान जिस प्रकार से उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहता है, वैसे ही हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहे और हम नए विजन के साथ आगे बढ़ें। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये जो चालू है इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन, और उस क्रियान्वयन में आम लोगों की भागीदारी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे, आप जाइएगा नहीं।